हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 15। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है गॉस थ्योरम। आपने बच्चों पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर क्या होता है, ये सब आपने पढ़ लिया था। तो आज बच्चों इसी से रिलेटेड, इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड गॉस थ्योरम है। अच्छा, ये गॉस थ्योरम है क्या और इसी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 14, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक प्लेन सरफेस के लिए था। कोई प्लेन सरफेस है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते थे। जनरली फार्मूला, फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ाया था, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है। और इसे अगर इंटीग्रेट करके आप बात करेंगे तो फ्लक्स को हम आप लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, कुछ इस तरह से आप इसको फ्लक्स को लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? लेकिन जो गॉस थ्योरम है बच्चों, गॉस थ्योरम, इसे बच्चों गॉस लॉ भी कहते हैं, थ्योरम या लॉ। ठीक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये अगर आप सीख जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए बच्चों और गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करने में बहुत ही आसानी होगी। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हेल्प से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगा कर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिटरमाइन करते थे वो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही कंसेप्चुअल जाता था और बहुत ही कह सकते हो टफ था। लेकिन आप गॉस थ्योरम अगर कैलकुलेट सीख जाओगे तो बहुत आसानी तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं गॉस थ्योरम। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स ऑन दिस चैनल। ओके, तो बच्चों गॉस थ्योरम क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट सुनते हैं। ये जो गॉस थ्योरम बना है ये क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये उसकी बात करता है। आपने जो जनरल फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है वो किसी प्लेन सरफेस के लिए था, प्लेन में सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर सरफेस हो सकता है, कैसा भी सरफेस प्लेन के लिए हो सकता है। बट जो गॉस थ्योरम ने ये फ्लक्स कैलकुलेट करने का अपना लॉ बनाया है, थ्योरम बनाया है, वो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए है। क्लोज सरफेस किसी भी शेप के लिए वैलिड है। क्लोज सरफेस कैसा भी शेप का क्लोज सरफेस आप बनाइए, कैसा भी क्लोज सरफेस का, चाहे वो क्यूब शेप का हो, क्यूबॉइड शेप का हो, सिलेंडर शेप का हो, कैसा भी क्लोज सरफेस होना चाहिए किसी भी सरफेस, सब के लिए ये थ्योरम वैलिड है। क्लियर? तो ये फ्लक्स जो कहता है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। मान लीजिए कोई एक क्लोज सरफेस है ऐसे, ठीक है, ये आपका क्लोज सरफेस है, मतलब चारों तरफ से बंद है, पैक है, स्फीयर समझ लीजिए और एग शेप समझ लीजिए, आप किसी भी शेप का इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये चारों तरफ से बंद है। ठीक है, अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर
हमने कोई चार्ज रख दिया, सपोज करो ये क्यू, तो जो ये नेट चार्ज है यहां पर जो क्यू है वो है नेट चार्ज, तो इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज बच्चों कितना है क्यू, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्यू नेट, मतलब नेट चार्ज की बात कर रहा है, तो नेट चार्ज का कितना 1/ε0 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही है गॉस थ्योरम और इसे हम लोग गॉस लॉ भी कहते हैं, गॉस का स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं क्यू नेट अपॉन एप्साइलन नॉट, ये है बच्चों गॉस थ्योरम, गॉस का स्टेटमेंट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस। बच्चों ये स्टेटमेंट आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है ना, बट ये आपका मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेस कर दिया है, आप लोग इसका ज़्यादा यूज करोगे, दैट इज ये मैथमेटिकली आप लोग यही यूज करेंगे और इसी का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा लेक्चर इसके बाद वीडियो अपलोड होगा वो लेक्चर इसके एप्लीकेशन पर बेस्ड है और उन सभी एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये है आपका फ्लक्स, गॉस थ्योरम। चलिए बात करते हैं गॉस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बातें करेंगे, जैसे कि अगर मैं कहूं बच्चों इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो, इफ नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो बच्चों आप क्या बताओगे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू जीरो, कोई चार्ज नहीं है फ्लक्स क्या हो जाएगा, इनसाइड फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर मैंने कह दिया एक चार्ज है प्लस क्यू वन, यहां है माइनस क्यू टू और यहां है प्लस क्यू थ्री, यहां है माइनस क्यू फोर, इस सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 4 चार्जेस आर प्रेजेंट इन इनसाइड द सरफेस, ये भी क्लोज सरफेस है बच्चों। अब बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप ये अप्लाई करोगे क्यू नेट, यहाँ नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे आप लोग, और आपको पता है नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको सबको साइन के साथ ऐड करना पड़ता है, तो नेट चार्ज हो जाएगा समेशन ऑफ क्यू प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री माइनस क्यू फोर, ये आपका नेट चार्ज आ गया, तो फ्लक्स आपका आ जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री माइनस क्यू फोर अपॉन एप्साइलन नॉट, ये आपका नेट चार्ज हो जाता है बच्चों, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब एक बात ये आती है, ये क्या सभी ऑल टाइप्स के क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, क्या ये ऑल टाइप्स के शेप के क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, तो कहोगे यस ये सभी शेप के क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। कोई पूछे किस पर बेस्ड है ये गॉस थ्योरम, तो मैं कह सकता हूँ इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में मैंने डिस्कस किया था, आप लोग को बताया था, आप लोग जानते भी हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है बच्चों 1/r² से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड जो इस लॉ को फॉलो करती है वो क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड कर रही है,
तो ऐसे केसेस में वो फील्ड के लिए गॉस थ्योरम हमारा अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। ये बात बच्चों याद रखना। तो ये बेस्ड किस पर है? इनवर्स स्क्वायर लॉ पर। मतलब जैसे से आप चार्ज से दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपको पता है, डिक्रीज होती चली जाती है। चार्ज के नज़दीक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो ये बेस्ड है किस पर गॉस थ्योरम हमारा? इनवर्स स्क्वायर लॉ पर बेस्ड है। तो पहला काम करिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग वीडियो को पॉज करके पॉइंट को नोट कर लें। नोट कर लिया बच्चों? ओके, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब कुछ और पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ। जैसे कि ये सभी फील्ड के लिए क्या कहते हैं, आपको पता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है, और जो भी फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है वहाँ पर सब जगह गॉस थ्योरम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, अगर हमारा ये क्लोज सरफेस किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हो तो क्या होगा, इस पर डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पे ले चलेंगे आपको, ठीक है? चलिए, तो ये है आपका गॉस थ्योरम। इरेज करें बेटा, वेरी गुड। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो फ्लक्स का फार्मूला आपका हो गया, क्या हो गया फ्लक्स का फार्मूला? फाई इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है फ्लक्स का फार्मूला। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, वेरी गुड। तो अब डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट और लिख देते हैं इसमें। आपको पता है कि फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है। तो आप ये भी कह सकते हो दैट इज एक्सप्रेस्ड एज, गॉस थ्योरम को आप लिख सकती हो, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बच्चों गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर कहीं आपको ऐसा देखने को मिले तो कन्फ्यूज मत होइएगा बच्चों, ये भी गॉस थ्योरम है। कोई प्रॉब्लम? नो। तो इसको याद रखना, ये भी गॉस थ्योरम है, और ये तो सिंपल तरीका है इसका, या सिंपल स्टेटमेंट ये है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा लिखा जा चुका है, और कभी कभी एग्जाम में इस तरह दे दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो मैंने गॉस थ्योरम पढ़ा नहीं है, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है, क्या ये हो सकता है, उनको डाउट रहता है। कुछ बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं। क्लियर बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं इसके। मैंने कहा कि इफ सरफेस, मान लीजिए सरफेस है, इज प्लेस्ड इन अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, उसका कांस्टेंट कितना है बच्चों? के कांस्टेंट वाला डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, वहां सरफेस है, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा सोचिए। तो फ्लक्स क्या होगा सोचिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से रिड्यूस हो जाती है, तो क्या फ्लक्स नहीं रिड्यूस होगा? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड फ्लक्स, आपको पता है। तो फ्लक्स जो होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, 1/k टाइम्स इसका हो जाएगा, तो क्यू नेट बाई के एप्सिलॉन नॉट। इस कंडीशन हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो जाएगा, ठीक है? जो बच्चे मेरा लेक्चर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक का, लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देखे हैं बच्चे, वो आप देख सकते हो, या किसी और चैनल से आप लोग देख के आप क्या कह सकते हो, ये पढ़ सकते हो बहुत इजी तरीके से, ठीक है? तो अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर हमारा सरफेस हो, क्लोज सरफेस, तो क्या होगा? फ्लक्स इतना हो जाएगा हमारा। अगर उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है तो फ्लक्स ये हो जाएगा,
नो प्रॉब्लम, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई चार्ज, कोई भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस के बाहर हो तो क्या उस सरफेस से फ्लक्स पास होगा, हाँ या नहीं, यस और नो, बोलिए। देखिए इसको मैं इरेज करूँ, ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए, वीडियो को पॉज करते हुए नोट करें बच्चे, और इसके मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो जो हमारा फ्लक्स है वो कैसे पास होगा जब चार्ज सरफेस के अंदर ना रह करके सरफेस के बाहर हो, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब ये मान लीजिए आपका एक स्फीयर है, स्फीयर का क्लोज सरफेस है, कैसा भी क्लोज सरफेस हो सकता है, मैंने आपको पहले डिस्कस किया है। ये पॉइंट ओ पर मेरा एक चार्ज है प्लस क्यू, क्या इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कहोगे कोई फ्लक्स नहीं पास होगा, फ्लक्स टोटल जीरो होगा, टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो, टोटल फ्लक्स जीरो होगा, कैसे, उसके लिए आप क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ पे एरिया ले लीजिए, मैंने आपको एरिया वेक्टर सिखाया है, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में, मैं इसका एरिया डी ए वन कह देता हूँ, वेक्टर डी ए वन, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ती हुई जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है इससे अवे फ्रॉम होती है, यहाँ का एरिया मैंने मान लिया डी ए टू है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर डी ए टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ज़रा ये बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट है कि नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है बच्चों, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, ई ए कॉस थीटा आपने पढ़ा ही है, तो इसके लिए फ्लक्स फाई वन क्या होगा, ई डी ए वन, मान लो एरिया सेम है अभी, वो सेम एरिया है, ई डी ए है ना, पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू कहता हूँ, ये पॉइंट पी और ये क्यू, दो पॉइंट लिए हैं, तो डी ए कॉस यहाँ के लिए 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ज़रा ये बताओ ये कितना होगा, माइनस ई डी ए हो जाएगा, ये कितना होगा 1 ई डी ए, कैंसिल आउट कर देंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल मिला करके 0 आ जाएगा, सबको एक साथ बच्चों ऐड कर लिया, ठीक है ना, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो याद रखना बच्चों, जब चार्ज कोई सरफेस से बाहर रहेगा, चार्ज जब सरफेस से कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, क्लियर है, ओके। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों। एक टर्म आता है इसमें गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, एनी हाइपोथेटिकल मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम या हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस हैविंग चार्ज एनक्लोज, जो अपने पास क्या रखता हो, चार्ज को बंद करके रखता हो, चार्ज को बंद करके रखता हो, ऐसे हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी जो सरफेस होता है, जो क्लोज्ड होगा, जिसके अंदर चार्ज हो, ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस नहीं है, क्योंकि चार्ज कहाँ है, बाहर है, ठीक है ना। मैं अगर कहूँ यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैंने एक स्फीयर में बंद कर दिया, इस प्लस क्यू चार्ज को एक स्फीयर में बंद कर दिया, वी कैन से दैट दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये है आपका गॉसियन सरफेस बच्चों। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कहोगे, इंपॉर्टेंस यही है, गॉसियन सरफेस बना करके हम
मतलब इमेजनरी सरफेस, इमेजनरी क्लोज सरफेस बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसानी तरीके से, इजीली तरीके से वी कैन कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों इसी गॉसियन सरफेस से, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजनरी सरफेस है, हाइपोथेटिकल सरफेस है, क्लियर है। चलिए तो ये आप इसका डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, आपके बुक में भी दिया है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है इजीली तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइंड करना, यही सरफेस बना बना करके चार्ज को एनक्लोज्ड करके, मतलब कोई भी चार्ज है उसको आप एक स्फीयर के अंदर एक क्लोज सरफेस सिलेंडर बना लीजिए, क्यूब बना दीजिए, उसके अंदर रख दीजिए, इमेजिन करना, केवल टोटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है इसका, और यही इमेजिनरी कॉन्सेप्ट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी कैलकुलेट करेंगे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप उस सरफेस से कितना पास हो रहा है ये कैलकुलेट करेंगे। तो आइए समझते हैं कुछ इस पर और क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट, कहाँ पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इमेजिन करेंगे, क्लियर है ना। आइए समझते हैं, तो ये है आपका गॉस थ्योरम, फार्मूला वही रहेगा, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि गॉस थ्योरम का जो ये प्रूविंग है बच्चों इसको मैं करा दूं। ये प्रूफ कैसे होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे प्रूविंग होगी। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे बच्चों, छोटा सा पॉइंट ओ, यहां पर मैंने रखा प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पर, और इससे थोड़ी डिस्टेंस लेकर आर डिस्टेंस, इधर भी आर, इस साइड भी आर, आर आर डिस्टेंस लेकर के मैंने इसको एक स्फीयर में बंद कर दिया, एक स्फीयर के अंदर इसको बंद कर दिया। तो कहेंगे एनक्लोज्ड चार्ज बाई क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, यहां पे हम क्लोज्ड क्या लेंगे, स्फेरिकल सरफेस। मान लो ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये रेडियस आपका है आर, मैंने एक स्फीयर में इसको बंद कर दिया, थोड़ा टेढ़ा बन गया बच्चों, थोड़ी आर्ट वीक है मेरी, ठीक है। ये आपका जो है बन गया स्मॉल आर रेडियस का एक क्लोज्ड, स्मॉल आर रेडियस का एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस है, और इस सरफेस के सेंटर पे हमने क्या रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज को रख दिया है, ठीक है। ये एयर या वैक्यूम में रखा गया है, सपोज दैट वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में है ना। तो ये जो हमने इमेजिन किया है, ये रियल में बच्चों नहीं बना है, ये मैंने इमेजिन किया है कि ये पॉइंट चार्ज को मैंने एक आर रेडियस से क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस के अंदर बंद कर दिया है। जब बंद कर दिया तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसके सराउंडिंग क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आपने पढ़ा है अगर कहीं पे कोई चार्ज है तो उसके सराउंडिंग क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती है, तो इसके सराउंडिंग क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस पूरे से स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा पार्ट। तो चलिए पहले इसका छोटा सा पार्ट ले लेते हैं बच्चों, ये छोटा सा पार्ट है, इसका एरिया मैंने मान लिया क्या है dA, और इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। ये रेडियस r है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज कारण आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, अवे फ्रॉम होती है। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, E है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे फ्रॉम होती है, रेडियली आउटवर्ड्स होती है। इसका एरिया dA है, तो आपको पता है एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर किधर होगा एरिया वेक्टर, इसी डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, मैं कह सकता हूँ ये है इस डायरेक्शन में।
तो इस पॉइंट में अगर बात करो इस सरफेस के इस पॉइंट पर जो कि r रेडियस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया डी ए, तो हमने लेट किया डी फाई, क्योंकि स्मॉल एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स पास होगा, तो डी फाई कितना हो जाएगा बच्चों, कहोगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ऐसा कुछ कहोगे। इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या मिलेगा, ई डी ए कॉस जीरो डिग्री, तो आ जाएगा ई डी ए। ई डी ए फ्लक्स आपका कैलकुलेट होता है बच्चों, क्लियर है ई डी ए। अगर टोटल स्फीयर से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, छोटे छोटे से पार्ट लें, छोटा छोटा एरिया लें और सबका फ्लक्स निकालें, तो पूरे सरफेस से पूरे स्फीयर से फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। अगर छोटा छोटा एरिया ले लें पूरे सरफेस का और सबसे फ्लक्स कैलकुलेट करें, और फ्लक्स क्या होती है, स्केलर होती है, तो इसको ऐड कर दें तो टोटल फ्लक्स इस स्फीयर से निकल जाएगा, है ना। बट लेकिन बच्चों अगर यहाँ आप लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा एरिया बार बार लेंगे ना, तो क्या होगा मालूम है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम होगा, हो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके सामने। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, स्मॉल एरिया के फ्लक्स का इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। तो टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन डी फाई ई, रखेंगे ई डी ए। अब बच्चों ई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डी ए। इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि छोटे 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 पार्ट का एरिया का सम, तो छोटे छोटे पार्ट के एरिया का सम निकालने का मतलब है पूरे स्फीयर का एरिया। तो पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है, रेडियस अगर आर है तो 4πr² ये फ्लक्स आ गया आपका इतना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जरा ये बताओ इस पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट चार्ज कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये आप पढ़ चुके हैं KQ/r². तो क्या बच्चों यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख सकते हैं, ऑब्वियसली आप लोग रख सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये फ्लक्स कैलकुलेट किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε₀, के की वैल्यू यही होती है Q/r², पढ़ा ना भाई KQ/r², तो K का मतलब 1/4πε₀, और इसकी वैल्यू 9×10⁻¹। ये होता है, तो ये वैल्यू हम K ना रख करके ये सीधे रख देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आपका ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा 1/4πε₀ Q/r² इंटू 4πr², 4π कैंसिल, r² कैंसिल बच्चों, तो फाई ई आ गया बच्चों Q/ε₀। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये है गॉस थ्योरम का प्रूविंग, नोट करिए बच्चों यहाँ तक आप लोग। नोट कर लिया बेटा, चलिए इरेज करते हैं, ओके। तो ये है गॉस थ्योरम की प्रूविंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांचक, है ना बच्चों। तो गॉस थ्योरम को आपने प्रूफ कर लिया, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग को मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना।
जो कि आपके कंपटीशन में आ सकते हैं बच्चों, कि कैसे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझिए ध्यान से, डीपली कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहला ये क्वेश्चन हमारा है कि मान लेते हैं कोई एक ऐसा सरफेस है, इफ सपोज दैट ये है आपका एक गॉसियन सर, इफ अ सरफेस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई क्लोज सरफेस बच्चों, या तो आप कह दीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, या तो कह लीजिए कि वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये मान लीजिए क्लोज सरफेस है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड गई हुई है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गई हुई बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो इससे फ्लक्स कितना पास होगा, सोच जवाब दीजिए। और एक और बच्चों, यहां पे क्यूब है मान लीजिए, यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसको मैंने कहा एक्स एक्सिस, इसको मैंने कहा वाई एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस, इट्स ओरिजिन, इसका साइड बच्चों कितना है ए, इसका भी साइड ए, तो कितना फ्लक्स पास होगा, सोच के बताइए जल्दी से, जितना फ्लक्स इसमें से इंटर कर रहा है उतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है बच्चों, इसमें भी जितना फ्लक्स इंटर्स कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। एरिया वेक्टर की बात करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितना फ्लक्स इंटर्स कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स आउटसाइड इक्वल टू फ्लक्स इनसाइड, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर, तो ई ए स्क्वायर, ये फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन जब बात कहेंगे टोटल फ्लक्स बच्चों, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, याद रखना। यहां भी टोटल फ्लक्स, टोटल टोटल की बात हो रही है यहां पे, तो टोटल फ्लक्स जीरो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो क्या होगा, उस सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, टोटल फ्लक्स जीरो होगा, जितना इन साइड इंटर्स करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आपने पढ़ा ही है अभी जस्ट इसके पहले, है ना। तो इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो भी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग नोट करिए, नोट कर लिया बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई हेमिस्फीयर, एक बच्चों क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हेमिस्फीयर रखा गया है, ठीक है, हेमिस्फीयर, तो उस हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, क्वेश्चन हमारा ये है। जैसे मैंने कहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में है, ये कम चल रहा है एक मिनट, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है मान लीजिए ऐसे, और ये है मान लीजिए आपका हेमिस्फीयर, और टेढ़ा बन गया बेटा, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है आपका, और हेमिस्फीयर का ये सेंटर है आपका,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा गया है, तो टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, अगर किसी भी सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो, कोई चार्ज ना हो और किसी फील्ड में रखा हो, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग नो चार्ज नो फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स एक तो कर्व सरफेस से पास करेगा और एक सर्कुलर सरफेस से पास करेगा। तो मैं कह सकता हूं टोटल फ्लक्स फाई कर्व्ड प्लस फाई सर्कुलर इज इक्वल टू जीरो, है ना। अच्छा, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, एन कैप इसको हम कह देते हैं एरिया वेक्टर। तो फाई कर्व सरफेस से कितना पास होगा? तो माइनस फाई सर्कुलर। तो सर्कुलर से निकालेंगे हम फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इधर है, तो क्या हो जाएगा? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस 180 डिग्री। एरिया कितना होता बच्चों सर्कुलर का? रेडियस इसका मैंने कहा आर है, रेडियस कितना है? कैपिटल आर है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू माइनस वन, तो प्लस ई पाई आर स्क्वायर, इतना फ्लक्स पास करेगा बच्चों, क्लियर है? कितना फ्लक्स पास करेगा? इतना फ्लक्स पास करेगा कितना? ये कर्व सरफेस जो हमारा कर्व दिखाई पड़ रहा है, इससे ई पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव में इतना फ्लक्स पास करेगा, सिर्फ कर्व वाले से। टोटल फ्लक्स जीरो, इसे दोनों का जोड़ ऐड करके मैंने जीरो कर दिया, क्लियर है? अगर ये नॉन, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब क्या होगा? अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस तरह से, ये है और आपका ये है आपका कर्व सरफेस, ये है आपका कर्व्ड सरफेस, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, ये सेंटर ओ है, रेडियस आर है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना पास होगा? इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अब क्या करेंगे? तभी टोटल फ्लक्स, यही कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहां से अब की बार जो फ्लक्स पास होगा इस पूरे कर्व सरफेस से पास होगा, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। कैसे? देखो भाई, नॉन यूनिफॉर्म है, कोई फील्ड लाइन इधर ऐसे ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में है, तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, कर रहा है ऐसे आपको फील्ड को देख करके फील आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखिए, ये कर्व सरफेस है, ये क्या है? कर्व, कर्व से फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म है। तो टोटल फ्लक्स जीरो, तो फाई कर्व्ड, फिर वही कॉन्सेप्ट, फाई सर्कुलर, तो अब की बार जो है हमको सर्कुलर निकालना है, ठीक है ना? क्या निकालना है? सर्कुलर। तो कर्व्ड से पास कितना होगा? तो फाई सर्कुलर अगर निकालें तो ये आ जाएगा नेगेटिव फाई कर्व्ड आएगा, मतलब जितना कर्व्ड में पास कर रहा है बच्चों, जितना कर्व्ड से फ्लक्स पास कर रहा है उसका नेगेटिव फ्लक्स किससे होगा? सर्कुलर वाले सरफेस से पास होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? भाई कर्व क्या है हमारा? हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो इसके लिए क्या होगा? एरिया वेक्टर, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लेंगे एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम डायरेक्शन मिलेगा, तो छोटे छोटे एरिया को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन के लिए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर और कॉस जीरो डिग्री, ई ए कॉस जीरो डिग्री आ जाएगा बच्चों, मतलब वेक्टर ई डॉट ए होता है, तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कॉस थीटा,
थीटा यहाँ कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में पाएंगे, तो 0 डिग्री तो आपका आ जाएगा माइनस ई ए और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई कितना होता है सरफेस का स्फीयर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दीजिए, हेमिस्फीयर है तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये है फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला, ये हेमिस्फीयर वाले केस के लिए है, क्लियर है। जब यहाँ पे कब, ये सभी जितने भी अभी हमने आपको बताया ये तब के लिए है इफ़ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज बच्चों ना हो तब के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। तो टोटल फ्लक्स 0, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं है, टोटल फ्लक्स बात होगी तो 0 अगर कोई चार्ज नहीं है तो, क्लियर। बाकी अगर कितना इंटरेस्ट कर रहा है, कितना बाहर निकल रहा है, उसको इंडिविजुअली निकालना है तो टोटल आप क्या करेंगे, ऐड करके 0 कर देंगे और वहां से आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकती हो, क्लियर। तो बच्चों इसको भी वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए, इसका मैं इसको इरेज करूंगा और सेकेंड क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। तो इरेज करते हैं बच्चों, अब हम चार्ज रख कर के बात करेंगे, अभी तक कोई चार्ज नहीं था, अब चार्ज रख कर के बात करेंगे तब फ्लक्स क्या होगा। तो इरेज करते हैं बेटा इसको, वेरी गुड। तो ये है आपका कॉम्पिटिशन लेवल का बच्चों क्वेश्चन, जो आता है जेई मेंस में, नीट में, इसी टाइप क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया और आप वहीं फ्लक्स में कन्फ्यूज हो गए। 4 ऑप्शन दिया आपको, कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, आपने क्या किया, गेस लगा करके तुक्का लगा दिया, जाओ यही होना चाहिए, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है बच्चों, और प्रॉपर कॉन्सेप्ट लगा करके ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ ये आपका हेमिस्फीयर है, ये मान लीजिए सर्कुलर है, यहाँ से आपका हेमिस्फीयर है, ये सेंटर है और इसका रेडियस है आर। मैंने कहा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, सेंटर ओ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो बच्चों बताओ इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, अगर चार्ज सेंटर पे है इसके तो कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, सोचो क्या करोगे कैसे। मैंने बताया है गॉस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे तभी जब गॉसियन सरफेस बनाना सीखेंगे, और हाइपोथेटिकल मतलब इमेजनरी स्फीयर, इमेजनरी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तब। तो क्या करेंगे, इस स्फीयर को भी, इस चार्ज को, मैंने कहा ना हमको चार्ज इनक्लोज करना है, चार्ज को किसी क्लोज सरफेस, इमेजनरी क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर दो, तो वैसे सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो क्या करेंगे, इसको बंद कर दो एक इमेजनरी सरफेस में, ऐसे बंद कर दिया मैंने, अब ये पूरा क्या बन गया आपका, स्फीयर बन गया, इस स्फीयर के अंदर ये चार्ज बंद हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, सोचो पहले, टोटल फ्लक्स अब हो जाएगा टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से। कहोगे यस सर ये होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन ये कंप्लीट स्फीयर के अंदर होगा तब बात होगी, हाफ है तो क्या करेंगे, फ्लक्स भी हाफ कर देंगे। तो हेमिस्फीयर के लिए, फॉर हेमिस्फीयर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई टू, तो फ्लक्स हमारा आ जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यही होगा राइट आंसर, क्लियर है बच्चों, यही है हेमिस्फीयर के लिए। तो हेमिस्फीयर के सेंटर पे अगर रखा है तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। नो बच्चों, तो आपने अभी जस्ट देखा कि किसी हेमिस्फीयर के सेंटर पे अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उससे फ्लक्स कितना पास होगा, जितना आप उसको एक कंप्लीट स्फीयर बनाएंगे, कंप्लीट स्फीयर बनाते हैं तो उसका जो टोटल फ्लक्स होगा उसका हाफ कर दीजिए,
तो फ्लक्स कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों हम क्यूब पर कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है क्यूब से रिलेटेड, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए समझिए इसको। ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है ना, ये क्यूब है आपके पास, प्यारा सा एक क्यूब है मेरे पास, और मैंने इसके सेंटर पे एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा चार्ज प्लस क्यू रख दिया है यहाँ पे, देखो प्लस क्यू रख दिया है। आपसे पूछे कि टोटल फ्लक्स बताओ भैया कितना होगा, टोटल फ्लक्स, तो कहोगे सर गॉस थ्योरम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, भाई ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर बंद है, क्लोज सरफेस के अंदर बंद है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, कहोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। अगर मैं यहीं पे पूछ लो इसके एक फेस से सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो सिंगल फेस से फाइव फेस कैलकुलेट करेंगे, कुल टोटल 1 2 3 4 5 6 सिक्स फेस हैं, सिक्स से क्या करेंगे बच्चों डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। अगर आपसे पूछे इससे एक वर्टेक्स से कितना फ्लक्स पास होगा, ये है आपका वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स हैं बताओ गिन करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट वर्टेक्स हैं, एट वर्टेक्स ने किसी एक वर्टेक्स से कितना फ्लक्स पास होगा, तो टोटल से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे एट, तो फाइव वर्टेक्स कैलकुलेट करना है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई एट टाइम्स डिवाइड कर दीजिए Q बाई एट एप्सिलॉन नॉट, ये वर्टेक्स आ जाता है, वेरी गुड। अगर मैं पूछ लूँ बच्चों यहाँ से फाइ कोर कितना होगा, फाइ कोर सी ओ आर ई, फाइ कोर कितना होगा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कोर क्या होता है, हाँ कोर, कोर का मतलब कॉर्नर, ये ऐसे जहाँ पे ये ज्वाइंट हो ये कोर है, फिर आगे चल के यहाँ भी क्या है कोर है, तो कैसे कोर है यहाँ पे, एक कोर दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ तो ऐसे हो गए, और इधर भी एक दो तीन चार, चार ऐसे हो गए, ध्यान दीजिए चार इधर और चार ये वाले छह जो घेरे हुए हैं, तो टोटल 12 कोर हैं बच्चों, तो 12 से क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 12, तो Q बाई 12 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ जाता है टोटल फ्लक्स, क्लियर। तो ये आप बच्चों वीडियो को पॉज करके इस फिगर को बना करके, प्यारा सा फिगर आप इसको भी नोट कर डालें, कोई प्रॉब्लम है तक, नो, वेरी गुड, ओके। तो ये है आपका फ्लक्स, नोट करिए यहाँ तक बच्चों, नोट कर लिया, नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करिए, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अब मैं इस चार्ज को ले रहा हूँ किसी एक फेस पर, किसी एक फेस पर, इसको इरेज करें, वेरी गुड, 1 2 3 4 नोट कर लिया जी सर। तो इसमें क्या करेंगे, सपोज यहाँ सरफेस है, सरफेस पर मैंने रखा प्लस क्यू चार्ज, इफ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड ऑन अ सिंगल फेस, सिंगल फेस पर क्या हो रखा हो, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो इस स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, इस चार्ज को एक इमेजनरी और क्यूब रखिए इसी के जैसा और बंद कर दीजिए, तो हमारा क्यूब आ जाएगा एक बड़े से क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा, और जब बड़े से क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा तो टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, टोटल फ्लक्स आने के बाद वो जो क्यूब बना है बड़ा सा कितने क्यूब से मिलकर बना है, कहोगे दो क्यूब से, है ना, ऐसे बना देते हैं, ऐसे क्यूब से मैं इसको बंद कर देता हूँ, ऐसे,
ये देखो क्यूब से बंद हो गया, तो फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू गॉस थ्योरम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल है, क्या बात है, बहुत सिंपल है। अच्छा, सिंगल दो क्यूब से मिलकर बना है, तो फाई सिंगल फ्लक्स सिंगल क्यूब कितना होगा, दो हैं दो से डिवाइड कर दीजिए, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, खत्म खत्म, सब फिनिश, हलवा, बिल्कुल हलवा है ना। तो फाई सिंगल क्यूब, एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब ये रखा है उसके ऊपर एक क्यूब आपने और रख दिया, टोटल फ्लक्स इतना होगा। भाई दो क्यूब हमने इमेजिन किया है ना, एक था रियल में एक इमेजिन किया है भाई, तो एक क्यूब बना है, एक क्यूब से इतना है, तो दो क्यूब से मिलकर इतना है, तो एक क्यूब से कितना होगा भाई, दो क्यूब है तो दो से डिवाइड कर दिया, बस ऐसे ही इमेजिनरी करना है आपको। सारा कॉन्सेप्ट इमेजिनरी का है बच्चों, सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ओके ओके, तो ये आप लोग भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब एक और एक दो क्वेश्चन और लेना है, अभी मैंने इसके फेस पे रखा है, सरफेस पे, अब इसको उठा के कॉर्नर पे रखने वाले हैं। कहाँ पे, कॉर्नर पे रखेंगे तब सिंगल फेस से कितना पास करेगा, सिंगल फेस से, ठीक है। ओके, इरेज करें, वेरी गुड। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। तो ये एक क्यूब से कितना फ्लक्स होगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब जब चार्ज किसी वर्टेक्स वर्टेक्स पर रखा हो, व्हेन अ चार्ज इज कैप्ट ऑन अ वर्टेक्स, व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू इज कैप्ट ऑन अ वर्टेक्स ऑफ क्यूब, मींस ये क्यूब है प्यारा सा, इसके वर्टेक्स पे मैंने उठा के चार्ज रख दिया, ये देखो यहाँ पे मैंने चार्ज प्लस क्यू रख दिया, ये सब वर्टेक्स, चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आपकी मर्जी, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ पे, यहाँ कहीं भी आप रख दो प्लस क्यू चार्ज को, वो आपकी मर्जी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा अगर चार्ज वर्टेक्स पर रखा हो, कितना फ्लक्स पास करेगा, सोचो इसको, सोचो कितना चार्ज हो, कितना फ्लक्स पास करेगा, क्या करोगे, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, गॉसियन सरफेस अप्लाई करोगे ऑलवेज। क्या करना होगा, इसको ऐसा कुछ सरफेस से बंद करो कि ये सेंटर पे आ जाए। अब सेंटर पे लाने के लिए इसी के जैसा और क्यूब आगे पीछे रखना पड़ेगा, तो एक क्यूब इसके आगे रखो, एक क्यूब इस साइड रखो, एक क्यूब इसके सामने जो रखोगे, वन टू थ्री फोर, फोर क्यूब हो जाएंगे। अब इन फोर के ऊपर फोर और रखो, कितना हो गया टोटल, एट क्यूब। तो एट क्यूब से मिलकर जो क्यूब बनेगा, मान लो हमने ये बड़ा सा क्यूब तैयार किया है, ये एट क्यूब से मिलकर बना है, कितने क्यूब, तो हमें कितने रिक्वायरमेंट है, सेवन क्यूब की। तो वी हैव रिक्वायर्ड सेवन क्यूब्स ऑफ सेम साइज के, सेवन क्यूब्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको सेंटर पे लेने के लिए, एक गॉसियन, कंप्लीट गॉसियन सरफेस बनाने के लिए। उस कंडीशन में फ्लक्स थ्रू लार्ज क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, कहोगे नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम जल्दी से अप्लाई करोगे, एक बड़े से क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके सेंटर पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, नेट चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स इतना पास करेगा। अब एट क्यूब से मिलकर बनाया है हमने इस बड़े से क्यूब को, तो एक क्यूब से पास कराना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, सोचो, एट क्यूब से एक क्यूब बना बड़ा, तो एक छोटा सा क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, एट क्यूब छोटे छोटे हैं तो 8 से डिवाइड कर दोगे, तो सिंगल क्यूब जो आपको दिया गया क्यूब है उससे अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे इमेजनरी कॉन्सेप्ट निकाल के जितने भी हमको रिक्वायरमेंट पड़े टोटल कितने हो गए उससे डिवाइड कर दीजिए। तो फ्लक्स थ्रू सिंगल
क्यूब कितना होगा, 8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल है बाई 8 कर दोगे तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ जाएगा बच्चों फाई, कितना जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा। इस बात को याद रखना, पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं बच्चों गॉस थ्योरम का, पूरा पोस्टमार्टम। कभी दोबारा आपको गॉस थ्योरम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पढ़ लिया आपने, इसके एप्लीकेशन बड़ी सिंपल तरीके से बहुत आसानी तरीके से आप लोग सीखेंगे, ठीक है। अब बात करें इसी में, इस क्यूब से सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इस क्यूब से इतना फ्लक्स पास हो रहा है तो सिंगल फेस से कितना पास करेगा, सिंगल फेस से, क्योंकि ये कॉर्नर जहां पे चार्ज है वो थ्री फेस से जुड़ा हुआ है, एक फेस ये है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला फेस है, तो फ्लक्स थ्रू अ सिंगल फेस, सिंगल फेस। डाउट बच्चों होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, सर यहां पे ये डाउट है, तो उसका मैं कमेंट में जवाब भी दे देंगे। तो फ्लक्स थ्रू अ सिंगल फेस, सिंगल फेस से फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फाइव फेस, तीन फेस जुड़ा हुआ है, टोटल फ्लक्स कितना है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, थ्री फेस से डिवाइड कर देंगे तो चार्ज अपॉन नेट चार्ज क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, 24 एप्सिलॉन नॉट, इतना बच्चों फ्लक्स पास करेगा, इतना फ्लक्स पास करेगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा। ये है वर्टेक्स पे रखने पर सिंगल फेस से टोटल फ्लक्स, ये है क्लियर, ये किसी का नहीं, ये तो इमेजनरी कॉन्सेप्ट से आया है, ये इसको मत परेशान होइए, सिर्फ इसको एम करना है, तो इसके लिए हमने ये आंसर दिया है, टोटल फ्लक्स सिंगल फेस से कहेगा, सिंगल फेस से इतना आएगा, क्लियर है, कोई डाउट। तो ये था चार्ज को रख करके फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गॉसियन सरफेस बना करके, हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इमेजिन करके बना करके, ऐसे तरीके से हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं फ्लक्स। और जब फ्लक्स आप सीख गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सच्ची बता रहा हूँ बहुत जल्दी सीख जाओगे कैलकुलेट करना। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने, अगर एग्जाम में कभी पूछ ले तो आप लोग को कभी प्रॉब्लम ना हो, वो भी क्वेश्चन बता देते हैं आज भी, और इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये टॉपिक यहीं पर क्लोज होगा, फिर इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए, ये आपके सामने क्यूब है और क्यूब के अंदर मैंने एक चार्ज वायर इंसर्ट करा दिया है, जैसे मान लो ये क्यूब है आपका, ये क्यूब है बच्चों क्यूब, और यहाँ मैंने एक चार्ज वायर जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये मान लो चार्ज वायर है आपका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ आपका चार्ज वायर है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये गया हुआ अंदर से आर पार क्रॉस किया गया है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है बच्चों, सॉरी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसको क्रॉस किया है तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स टोटल फ्लक्स या टोटल फ्लक्स फाई ई कितना होगा क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। क्यू नेट कैसे निकालेंगे, इससे अंदर कोई चार्ज है, जरा सोचो हमें क्यू नेट निकालना है तो क्या नेट चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है, आपने पढ़ा है 1/ε0 ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज बाय क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस क्यूब हो गया, इसके अंदर कोई चार्ज क्लोज है, कहोगे यस चार्ज क्लोज है, भाई ये चार्ज वायर है ना, सब जगह चार्ज चार्ज चार्ज, अंदर भी चार्ज होगा, तो अंदर कितनी लेंथ का वायर गया है, तो उसका लेंथ आप बता दीजिए, इस सरफेस से जो बंद है क्लोज है उसका लेंथ, आप पढ़े हो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज लैम्डा इंटू एल, इस कॉन्सेप्ट में देख कर कह सकता हूँ क्यू नेट कितना होगा, फ्लक्स चार्ज का अमाउंट नहीं लैम्डा, जो उसका लैम्डा आपको गिवेन है बच्चों, लैम्डा जो गिवेन है इंटू लेंथ ऑफ वायर इनसाइड द
सरफेस, सरफेस के इनसाइड जो भी वायर है उसका लेंथ इनटू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे केसेस बच्चों आप ये कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है बच्चों? ऐसे केसेस में लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हो और आपको इनसाइड लेंथ मालूम हो तो फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी ऐसे भी बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना? तो ये था कंप्लीट गॉस थ्योरम आपका, पूरा कंप्लीट मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है बहुत इजी तरीके से। अगर बच्चों वीडियो को अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना? और इसका मैंने टोटल पोस्टमार्टम कर दिया है गॉस थ्योरम का कंप्लीट, और आप इसका यूज़ करके एप्लीकेशन इसका सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक का यहाँ पर समाप्त होता है, लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़े बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।